नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट चल रहा है और यह टेस्ट संख्या 52 है मित्रों, 52 है टेस्ट संख्या 52। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह टेस्ट संख्या 52 है और यह किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट है देख सकते हैं। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है 8318396216 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, केबीएस के लिए, एनबीएस के लिए, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए, सबके लिए यह रामबाण कंप्लीट कोर्स है। आप जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 6 to 12 के पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री का हैंड रिटन नोट, पीपीटी नोट्स, लेक्चर वीडियो के सारे टेस्ट चैप्टर वाइज सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलने के बाद 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज भी आप लोग को उपलब्ध कराई जाएगी। जो बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए कंप्लीट कोर्स एनसीईआरटी का आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन कर लेना। आइए शुरुआत करते हैं, जहां से खत्म की थी वहीं से शुरू करते हैं। टेस्ट की संख्या 52 और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। चांद बीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, चांद बीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चांद बीबी कौन थी? तो यह मुगल शासक जहांगीर की समकालीन थी। इनका विवाह बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के साथ हुआ था। तो देखिए इसमें कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको, और फिर देखिए इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है। चांद बीबी के बारे में कौन सा, तीन कथन दिया गया है, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसे हम मुगल शासक जहांगीर की समकालीन थी, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, या अकबर की समकालीन थी, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, इनका विवाह बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय से हुआ था, तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय से इनका विवाह नहीं हुआ था, ये भी आपका गलत है। तो कौन सा कथन गलत है यही बताना है आपको, इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, यही आपका सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो 1 और 2 दोनों, मतलब विकल्प ए जो है यह आपका सत्य नहीं है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। चांद बीबी मुगल शासक अकबर के समकालीन थी, अतः कथन एक गलत है। इसका इनका विवाह बीजापुर के शासक सुल्तान अली आदिल शाह प्रथम के साथ हुआ था, और इसलिए कथन दो भी गलत है आपका। चांद बीबी ने समझौते के माध्यम से मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, प्रश्न दो देखिएगा। मलिक अंबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह अहमदनगर में पेशवा के पद पर था मलिक अंबर, बिल्कुल सही है। इनका जन्म इथोपिया में हुआ था, यह भी सही है। इसने युद्ध में छापामार पद्धति का उपयोग किया था, युद्ध में छापामार पद्धति का उपयोग किया था मलिक अंबर ने। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आप लोग को, तो इसमें विकल्प ए जो है आपका यही आपका सही है, मतलब यह अहमदनगर में पेशवा के पद पर था मलिक अंबर, सही है। इनका जन्म जो हुआ था, इसका जन्म जो हुआ था इथोपिया में हुआ था। इथोपिया कहाँ है, यह अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, इथोपिया, यहाँ पर जन्म हुआ था मलिक अंबर का। तीसरा जो है, इसने युद्ध में छापामार पद्धति का उपयोग किया था, तो युद्ध में छापामार पद्धति का उपयोग मलिक अंबर ने नहीं किया था, यही आपका गलत है। देख लेते हैं तो कौन सा कथन सत्य है, तो विकल्प ए जो है आपका सही है। मलिक अंबर ने मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय को अहमदनगर की गद्दी पर बैठा कर खुद को पेशवा घोषित कर दिया। ठीक है, मलिक अंबर का जन्म जो हुआ था इथोपिया के एक गरीब परिवार में हुआ था, युद्ध में छापामार पद्धति का उपयोग मराठों ने किया था। ठीक है, युद्ध में छापामार पद्धति का उपयोग मराठों ने किया था, न कि मलिक अंबर ने। ठीक है, प्रश्न चार देखिएगा। मलिक अंबर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, मलिक अंबर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। तो मलिक अंबर ने इजारा प्रथा को समाप्त कर दिया था, मलिक अंबर ने इजारा प्रथा को समाप्त कर दिया था, सही है। इसने जब्ती प्रणाली लागू की थी, यह भी सही है। इसने राजधानी खिड़की पर कब्जा कर लिया था, यह भी आपका सही है। ठीक है, मलिक अंबर ने राजधानी खिड़की पर कब्जा किया था, जब्ती प्रणाली का प्रारंभ किया था, और इजारा प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है। इसने दक्कन में मुगल सेना का नेतृत्व किया था, भैया मुगलों की सेना का इसका 36 का आंकड़ा था, मुगल सेना का नेतृत्व इसने नहीं किया था, विकल्प ए। कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल विकल्प ए जो है आपका सही नहीं है।
मलिकम्बर ने दक्कन में मराठों का साथ दिया था, दक्कन में मराठों का साथ दिया था मलिकम्बर ने, न कि मुगलों का, ठीक है, मुगलों के विरुद्ध जिसमें मराठों ने जीत हासिल की थी, ठीक है, मलिकम्बर ने मराठों का साथ दिया था और मराठों ने जीत हासिल की थी दक्कन में। प्रश्न पांच देखिएगा, दक्षिण भारत के किस शासक ने शाहजहां के अहदनामा पर हस्ताक्षर किया था, अहदनामा मतलब संधि पत्र, तो किस शासक ने दक्षिण भारत में शाहजहां के संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया था, वह था अली आदिल शाह, अली आदिल शाह, वही अली आदिल शाह जिसकी पत्नी जो थी चांद देवी थी, ठीक है, विकल्प सी अली आदिल शाह ने। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह ने शाहजहां के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, संधि के पहले मुगल विरोधी गुट के नेताओं को अपदस्थ करके मार डाला गया था जिसमें मुरारी पंडित भी शामिल थे। संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया था आदिल शाह प्रथम, ठीक है। प्रश्न छह देखिएगा, शाहजहां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, शाहजहां के संदर्भ में इसने दक्षिण के निजाम शाही शासक के विरुद्ध खाने जहां लोदी के नेतृत्व में सैन्य बल भेजा था, दक्षिण के निजाम शाही शासक के विरुद्ध खाने जहां लोदी के नेतृत्व में सैन्य बल भेजा था शाहजहां ने, इसने शाहजी भोसले को 5000 मनसब प्रदान किया था, शाहजहां ने अहमदनगर और गोलकुंडा राज्यों से संधि की थी, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बता रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसे देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, तो केवल तीन आपका जो है आपका यही आपका सत्य नहीं है, केवल तीन, ठीक है। देख लेते हैं, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देख लेते हैं यहां पर देखिए, शाहजहां के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो केवल तीन जो है आपका विकल्प सी, यही आपका सत्य नहीं है, ठीक है, शाहजहां ने अहमदनगर और गोलकुंडा राज्यों से संधि की थी, यही आपका सही नहीं है, बल्कि सभी या दोनों जो है सम्मिलित हैं, इसने दक्षिण के निजाम शाही शासक के विरुद्ध खाने जहां लोदी के नेतृत्व में सैन्य बल भेजा था और उसने शाहजी भोसले को 5000 का मंच प्रदान किया, ये दोनों बातें सही है, यही ये आपका सही नहीं है, शाहजहां ने अहमदनगर गोलकुंडा राज्यों से संधि की थी, विकल्प सी, ठीक है। व्याख्या देख लीजिएगा, गोलकुंडा का संस्थापक सुल्तान मोहम्मद कुली गुरु शाह कुली कुतुब शाह अकबर का समकालीन था, जो साहित्य और कला का बहुत बड़ा प्रेमी था, इब्राहिम आदिल शाह जो कि बीजापुर का संस्थापक था ने शाहजहां के साथ संधि की थी, कथन दो सत्य है, 1672 से 1687 ईस्वी तक अवधि में गोलकुंडा के मुगल साम्राज्य में मिला लिए जाने तक मदन्ना और अकन्ना जो दोनों भाई थे सैनिक भी थे, देखिए ये गोलकुंडा राज्य में सैनिक थे मदन्ना और अकन्ना, ठीक है, दोनों ब्राह्मण थे, ने मुगलों के प्रशासनिक मामलों में काफी मदद की थी, किताबे नौरस बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह की पुस्तक है किताबे नौरस, ठीक है, इसमें गीतों की प्रमुख रागों में बांध कर प्रस्तुत किया गया है, तो किताबे नौरस जो है बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह की द्वारा लिखी गई पुस्तक है, गीत संगीत की पुस्तक है, ठीक है। प्रश्न सात देखिएगा, मुगल काल और दक्षिणी राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, अकबर का समकालीन कुली कुतुब शाह था, कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है, कौन सा कथन असत्य है, इसमें विकल्प सी जो है ना यही जो फोर है वो आपका सही है, सही नहीं है, ठीक है, चार कथन दिए गए हैं इसमें, ये जो है किताबी नौरस जहांगीर द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो बिल्कुल गलत है, आपको बताया हूँ किताबी नौरस जो है यह आपका इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो यही आपका गलत है, देखिए अकबर का समकालीन कुली कुतुब शाह था, सही है, सही है, और अकबर इब्राहिम आदिल शाह ने शाहजहां से संधि की थी, सही है, गोलकुंडा के सैनिक मदन्ना और अकन्ना का बोलबाला मुगलों की प्रशासनिक हस्तक्षेप में रहा, यह भी सही है, तो कौन सा कथन असत्य है, किताबी नौरस जहांगीर के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है, इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। व्याख्या देख लेते हैं, गोलकुंडा का संस्थापक सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह अकबर का समकालीन था, जो साहित्य और कला का बड़ा प्रेमी था, इब्राहिम आदिल शाह जो बीजापुर का संस्थापक था ने शाहजहां के साथ संधि की थी, 1672 से 1687 की अवधि में गोलकुंडा के मुगल सम्राट में मिला लिए जाने तक मदन्ना और अकन्ना दोनों भाई थे और सैनिक भी थे, मुगलों के प्रशासनिक मामले में काफी मदद की थी, किया था उन्होंने, ठीक है, 1672 से 1687 तक गोलकुंडा और मुगल साम्राज्य के बीच में लड़ाई झगड़ा चलता रहा, अंतिम में 1687 में गोलकुंडा को मिला लिया गया, ठीक है। किताबे नौरस बीजापुर के शासक इब्राहिम शाह
के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो गीत संगीत की पुस्तक है। प्रश्न 8 देखिएगा, इब्राहिम आदिल शाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अबला बाबा के नाम से जाना जाता जानते थे, ठीक है। इनका मकबरा इब्राहिम रौजा के नाम से जाना जाता था। इसे जगत गुरु की उपाधि प्राप्त थी। तो कौन सा कथन सत्य है? तो कथन जो है आपका 1, 2, 3 तीनों बातें सही हैं, विकल्प सी। तीनों बातें सही हैं, इब्राहिम आदिल शाह के बारे में इसको अबला बाबा के नाम से जानते थे, इनका मकबरा जो है इब्राहिम रौजा के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें जगत गुरु की उपाधि भी दी गई थी, मतलब लोग इन्हें जगत गुरु कहते थे। इब्राहिम आदिल शाह 9 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठ गया। वह गरीबों की भलाई का बहुत ख्याल रखता था, इसलिए उसे अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था। अतः कथन 1 सत्य है। इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा इब्राहिम रौजा या गोल गुंबद बीजापुरी प्रसिद्ध इमारतों में शामिल है, ठीक है। इब्राहिम रौजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है, और गोल गुंबद या बीजापुर प्रसिद्ध इमारतों में शामिल है, दोनों ही बीजापुर में है, ठीक है। इब्राहिम आदिल शाह का व्यापक दृष्टिकोण होने के कारण इसे जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। प्रश्न 9 देखिएगा, चार मीनार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। इसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था, सही है। यह हैदराबाद नगर के बीच स्थित है, सही है। इसकी मुख्य सुंदरता चार मीनार में स्थित 4 मंजिला इमारत है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो विकल्प डी, 1, 2, 3 तीनों बातें सही है, ठीक है। व्याख्या देखिएगा, चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। यह हैदराबाद नगर के बीच में स्थित है, जो कुतुब शाह ने ही बसाया था। इसकी मुख्य सुंदरता इसकी चार मीनारों में स्थित निहित है, जो 4 मंजिलों में बनी है, और जिसमें से प्रत्येक ऊंचाई जो 48 मीटर है। चार मीनार हैं और हर जो मीनार है वो 48 मीटर ऊंची है, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद आप लोगों को। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज आप लोग जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।